हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। पूनम की रसोई में आप सबका स्वागत है। चलिए आज बनाएंगे बैंगन का भुजिया। ऐसा बनाने से बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। इसको बनाने के लिए हमने बैंगन को काट के धो लिए हैं। इसमें डालेंगे मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा गरम मसाला अब इन सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए मिल चुका है, फिर भी थोड़ा थोड़ा मसाला बचा हुआ है वो मिला लेंगे। इधर हमारा तवा गरम हो चुका है, इसमें तेल डाल दिए हैं। अब इनमें बैंगन डालेंगे। पाँच मिनट तक हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 मिनट में एक तरफ हो जाएगा। चलिए 5 मिनट हो गया है, इसको पलट लेंगे। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 2 मिनट और छोड़ेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को थोड़ा सा मिला लेंगे। दो मिनट में हमारा बैंगन का भुजिया तैयार हो जाएगा। हो गया है तैयार, देखिए निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ।